मैं रविंद्र कुमार पांडे पोल खोल पोस्ट से। ये देखिए आपके सामने जो नदी देख रहे हैं, इसके ऊपर में भगवान शिव का बहुत विशाल मंदिर है जो जिरेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। और इसकी सुंदरता भी चलिए इसके बाद आपको दिखाते चलते हैं धीरे धीरे। ये देखिए पहले ये नदी नाले झरने बहुत ही देखने में आपको खुद दिखा लग रहा होगा किस टाइप का है। और यहाँ पे सावन के महीने में काफ़ी लोग कांवर लेके आते हैं और काफ़ी लोगों की मान्यता है। इसके बाद ये देखिए सामने आपको मंदिर अभी चलते हैं, इसकी सुंदरता देखिए। इसमें काफ़ी दूर तक देखिए नदी नाले आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद आइए आपको मंदिर की तरफ धीरे धीरे अग्रसर कर रहे हैं। यहाँ पे ये मंदिर काफ़ी पुराने समय से और लोगों में इसके प्रति श्रद्धा काफ़ी है, इसकी वजह से सावन में यहाँ लोग कांवर लेके आते हैं, काफ़ी लाखों की संख्या में लोग आते हैं। और यहाँ भगवान शंकर जी का मंदिर है जो अजरेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। फिर साथ में माँ दुर्गा हनुमान जी सबका मंदिर है। और यहीं आइए फिर आगे ले चलते हैं, आपको मंदिर की सुंदरता और यहाँ की छाया को दिखाते हैं। ये देखिए मंदिर से जाने के लिए सीढ़ी बनाई गई है जहाँ पे लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद दर्शन करते हैं। और इसकी सुंदरता को आप खुद देख रहे होंगे, देखिए अगल बगल कितने पेड़ जंगल टाइप की, कितनी सुंदरता इसकी असीम है। और ये देखिए यहाँ लोग स्नान करके आते हैं, स्नान करने के बाद फिर ये सीढ़ी बाई सीढ़ी देखिए स्टेप बाई स्टेप ऊपर भगवान शिव का जिरेश्वर महादेव का मंदिर है। आइए इसके आगे आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं। मंदिर में जाने के लिए ये सीढ़ी बनाई गई है जिसके सारे लोग जाते हैं मंदिर, वहाँ पर चढ़ करके दर्शन करते हैं। और इस क्षेत्र में इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था बहुत काफ़ी है, जिसकी वजह से हर सोमवार को काफ़ी भीड़ लगती है। ये सब है, आइए दिखाते हैं आपके मंदिर की छवि को, किसकी सुंदरता कैसी है, कैसे मंदिर है और कितने मनमोहक दृश्य हैं यहाँ पे। देखिए ये मंदिर है, आप देखिए ये मंदिर है भगवान शिव का। यहाँ पे लोग रहने के लिए उधर देखिए वो, जिसमें कोई भी श्रद्धालु बाहर से आता है तो आने के बाद वहाँ रहने की व्यवस्था की गई है। इधर क्या है देखिए, भगवान दुर्गा जी और शंकर जी का मंदिर, हनुमान जी का भी बनाया गया है। और ये साथ में देखिए यहाँ पे लोग आते हैं अपनी मन्नत के लिए नारियल चुनरी बांधते हैं। मंदिर कितना पुराना है? मंदिर 500 वर्ष डूब से है, जो संसार में डूब पड़ा जी जी, तब से वहाँ से ही शिवलिंग यहाँ पर ले कर रखा गया जी जी। और उसके बाद 6 बरस से इनका जीर्णोद्धार हुआ है। अच्छा, नवीनीकरण इसका 6 साल से हुआ? 6 साल से हुआ जी जी जी। यहाँ भगवान शिव का मंदिर है? शिव का मंदिर है, उसके बाद उनके आरक्षण में जो है माता जी का। अच्छा, दुर्गा जी का? दुर्गा जी का, उसके बाद सरस्वती जी विश्वकर्मा भगवान का। अच्छा, रामदेव में। अच्छा, विश्वकर्मा जी हैं, सरस्वती जी हैं, यहाँ पर हनुमान जी का है, हनुमान जी के हैं और राम दरबार। अच्छा, ये चुनरी जो लगाई गई है देखिए बाबा जी, ये पेड़ में बांधी गई, इसकी क्या मान्यता है? जो लोग अपने श्रद्धा से अपनी जो मांगन रखते हैं भोलेनाथ के यहाँ जी जी, तो आ करके यहाँ पर अपना नारियल बांध के जाते हैं, जब मान्यता पूरा उनकी होती है जी, तो आते हैं तो अपना इसमें से एक फल तोड़ करके जी जी, चाहे कोई भी खिल ले लेंगे और लेकर अपना फोड़ देंगे। और उसके बाद जो अपना मनौता है उनका अपने खुशी का, जितना में उनको श्रद्धा है उतना में करके यहाँ से। ठीक, आप भैया यही रहने वाले हैं? हाँ, ये आए हैं दर्शन करने के लिए। अच्छा, दर्शन करा लो। अच्छा, आइए एक मिनट, कहाँ से? शुभ नाम आपका क्या है? धर्मलाल। धर्म? हाँ, धर्मलाल गुर्जर। धर्मलाल गुर्जर। अच्छा, दर्शन करने आए हैं? हाँ। अच्छा, मतलब हर समय आते हैं? हाँ, जब कुछ मानते हैं ना तो आते हैं। अच्छा, जब कुछ मान्यता करते हैं तो यहाँ जरूर आते हैं? हाँ, जरूर। पूर्ण भी हो जाता है? हाँ। चलिए, धन्यवाद। रहने वाले कहाँ के हैं? यहीं के, खमरिया। खमरिया के, चलिए धन्यवाद। मैं रविंद्र कुमार पांडे पोल खोल पोस्ट से। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बजाय बटन दबाएं।